अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है जी। लाइव विद तौसीक हैदर का आज बड़ा मच वेटेड सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे बहुत ही प्यारा एक शोबिज का, पाकिस्तान मीडिया ड्रामा इंडस्ट्री का एक कपल हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट रिकॉर्डिंग भी कर ली है, यानी टेस्ट हम लाइव गए, और फजीला और कैसर हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, पिक करें, मैंने इनविटेशन भेजा हुआ है फजीला का। देर दे यार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। सॉरी, बस यही मैं कह रहा था, ऊंचा बोलना पड़े, ऊंचा बोले। अच्छा जी, चीख चीख के बोले। कोई बात नहीं तौसीक, आपको तो आदत पड़ गई है, पीटीवी का माइक दूर होता है चीख चीख कर बोलने की, हम भी कोशिश करते हैं। लेकिन आप दोनों की माशाल्लाह इतनी मिसाली शादी है कि मैंने सुना है आपस में कभी भी चीख चीख कर नहीं बोले, हमेशा बात नहीं, कभी नहीं, बर्फ बर्फ जैसा जो सीने के पार से गुजर जाए। तभी तो मैं कहता हूं कि ऐसी एक और। वेरी नाइस। नहीं, ये बहुत ज्यादा सीरियस है, ये चाहते हैं एक और, तो मैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लो, आपको अब बेटों की शादी करने का वक्त आ गया, बहू ढूंढे, बेगम ना ढूंढे। बेटों की शादी का वक्त नहीं है, अभी वो स्टार्ट किया है, मुझे अपने करियर को बिल्कुल बनाना अभी स्टार्टिंग है, तो अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी इन्हीं का टाइम है, वो अपनी खुद ही ढूंढ लेंगे, मैं भी अपनी ढूंढ लूंगा, वो भी खुद ढूंढ लेंगे। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, जो जो हमारे साथ लॉग इन है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैसर खान निजामानी, और लाइट बिल्कुल ठीक लग रही है, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपका जब मैंने पोस्टर रिलीज किया तो नीचे इतने हार्ट्स और प्यार, और के जनाब फॉरवर्ड कपल, आइडियल कपल, दोनों हमेशा की तरह गुड लुकिंग, खूबसूरत, हैंडसम, और बड़े आपके पुराने ड्रामे याद करने शुरू कर दिए। मैं हाथ बना देती हूँ सबके लिए। वालेकुम सबका बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत बख्शी और आपने चाहा कि हम आपके मेहमान बने, आपका शुक्रिया। I am honored. अच्छा जी, ये बताएं कि आपको पता है कि मेरा सेशन जो है वो बातें तो मैं कर रहा था, लेकिन उसके पीछे सवाल जो है वो फैंस, मेरे फॉलोअर्स और जो मेहमान आता है उसके फैंस, वो तो एक जो बात बहुत ज्यादा पूछी गई है वो ये कि जब आप दोनों ने शादी का फैसला किया तो ये चाहत का इजहार किसकी तरफ से पहले हुआ? मेरी तरफ से। अच्छा, तो क्या डर लगा था कि ना होगी? नहीं यार तौसीक, देखो आप टीवी पे आते हैं ना, आपकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, आप एक स्टार हो, एक आइकॉनिक फिगर है आप, ठीक है। इसी तरह जब मैं टीवी पे आया तो एक ही चैनल होता था, तो हम भी स्टार बन गए थे। अब तौसीक के साथ कोई अगर आपके अहद की खातून वो कहे कि भी फोटो शूट करना है और वो मना कर दें तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? गुजरेगा। तो हमने कहा यार ठीक है, मना कर दिया, कोई बात नहीं, और फिर एक मुस्कुराहट जैसी आपके चेहरे पे आ रही है, यकीनन मेरे चेहरे पे भी आई होगी। मतलब ये उन्होंने उसका बदला लेने के लिए मुझसे शादी की, इन्होंने दिल में प्लान कर लिया कि मैं अब इससे शादी करके छोड़ूंगा, मेरे साथ इसने फोटो शूट क्यों नहीं करवाया। Yes. तो ये बदले के लिए शादी की, मोहब्बत के लिए थी, है ना? अच्छा, हाँ। कितने साल हो गए शादी को? कितने साल हो गए? माशाल्लाह कितने साल पाबंदे सलासिल हुए, माशाल्लाह 25 साल हो चुके। 26 years. Lovely, great. और माशाल्लाह दो बेटे हैं आप लोगों के? जी, दो बेटे हैं। और दोनों को पढ़ने के लिए आपने मुल्क से बाहर भेज दिया? नहीं, अभी जाना था उन्होंने। अच्छा। इस साल जाना है इंशाल्लाह। अभी उन्होंने अपना LLB कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम से, बट वो यहाँ पे ही और स्कूल से, तो उन दोनों ने अपना वो कंप्लीट किया, अब उन्होंने बाहर के लिए इंशाल्लाह ताला जाना था, तो अब सारा जरा सिलसिला जो एडमिशन दोनों का हो चुका है, एडमिशन हो गया, लेकिन कोविड की वजह से उनका सेशन थोड़ा डिले हो गया, वरना अभी तक वो लोग ज्वाइन कर चुके होते हैं अपनी क्लासेस। हाँ, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये सारे, ये छोटे वाला बेटा है मेरा, उसके शौक है ये सारा निर्वाणा और म्यूजिक,
एंड द बुक्स सोसाइटी, तो जो शौक है वो बाहर गैरेज में खड़े होते हैं, वो घर के अंदर नहीं आ सकते, तो वो जीप्स का शौक है उसको अपने बाबा की तरह। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बेटी की कभी कमी महसूस की कि बेटी होती तो उसको भी प्यारे प्यारे फ्रॉक्स पहनाती, प्यार करती? फजीला आप बेसिकली आखिर कैसे भी बता सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे तो खैर होती है हमेशा, होती थी पहले। हाँ हाँ पहले तो मुझे बहुत ज्यादा होती थी और मेरा बड़ा दिल होता था कि और क्योंकि सब कहते भी थे कि जी तुम्हारी बेटी बड़ी क्यूट सी होगी और कलर्ड आंखों वाली होगी और ये, तो फिर मैं उस चक्कर में, मुझे बड़ा शौक था, लेकिन फिर अल्लाह ने हमारा यही था कि दो होने चाहिए बस, इतना कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि अच्छे से तरबियत कर सकते हैं। बेसिकली औलाद को दुनिया में लाना मकसद नहीं होता, उसकी अच्छी तरबियत करना मकसद। तो अल्लाह ताला ने दो बेटे दे दिए माशाल्लाह, तो आ जाएगी जब उनकी बेगमात, तो आ जाएंगी बेटियां। फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ कि मैं एक अकेली लड़की हूँ घर में, तो मैं एक्चुअली दो भाइयों की एक बहन हूँ, तो वहां घर में भी एक मेरे बाबा थे और दो भाई, तो तीन हजरात को वहां, तो तीन हजरात यहाँ मिल गए, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इस हवाले से। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है वैसे, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए जो जवाब है या मेरे जो ऐसा साथ है उसकी तर्जमानी फजीला ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अगर मेरी जगह भी यही जवाब दे दें वो ज्यादा बेहतर। नहीं क्यों, आप जवाब दें ताकि मैं आपको काउंटर अटैक करूं। आपको हमने सिर्फ फोटो देखने के लिए बिठाया है, ये क्या बात हुई? इतनी भी फरमाबरदारी अच्छी नहीं होती, 25-26 साल कर ली, आज खुल के बोलो। यार मैं तो बहुत डरता हूँ भाई अपनी बीवी से। झूठ, अच्छा सारा झूठ ये सबके सामने ना दिखाते हैं, फिर जब लोग सवाल करते हैं कहते हैं आप तो बहुत चलाक लगती हैं, ये तो बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन देखें जो साथ रहते हैं उसको पता होता है इनके अंदर जो एक एक सख्त वडेरा है ना, वो अभी मेरी बात नहीं यार, मानो तो भाईजान एक्सक्यूज मी। अच्छा पता है क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, ये जो टीवी है ना अपना पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तानी टेलीविजन, अब जिसे मैं कह दूं वडेरा और सियासतदान उसने बनाया, मुझे आपको भी बनाया होगा चौधरी साहब, ठीक ठीक है। ये एक कैफियत की बात कर रही है कि शायद मुझे किसी किसी का गुस्सा ज्यादा आ जाता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक आम कॉमनर, किसी किसी वक्त मैं कॉमनर हूँ, कॉमन आदमी हूँ, और बहुत सीधी सादी बहुत प्यारी सी जिंदगी गुजार रहा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बस, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। वडेरा होने का ताना 26 साल में कितनी दफा सुना है, ये वडेरे का लफ्ज 26 साल में कितनी दफा ये ताना सुना है, जब मौका मिलता है, दिन में कितनी दफा, जब कहीं मुझे डिग्रेड करना हो या कहीं ऐसी जगह हम चले जाएं जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग मौजूद हों, तो वो टेलीविजन पे हमें देख के शायद एक परसेप्शन बना लेते हैं कि मैं या आप, हम लोग जो हैं कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किस्म के लोग हैं, और जो किरदार हम लोग करते हैं वो हकीकतन वही है। कायद अजम के मजार पे 14 अगस्त को, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, मैं था, तो वहां पर एक पूरी खातून आई और उन्होंने सबसे पहले मुझे दुआएं दी, दुआएं देने के बाद उन्होंने जो उनको हकीकतन जो तकलीफ थी उनकी फैमिली के हवाले से, वो उन्होंने बयान की कि बेटा तू ते वजीर है, तू ये मसला मेरा हल कर दे। मैं क्या माँ जी, मैं वजीर शजीर तो कोई नहीं। कह रहे नहीं मैं वेख्या तेन, तू ते वजीर है, तू सब। अब ये इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं और हमारे लोगों की मासूमियत है, और बाज़ औक़ात मैं फील करता हूँ कि यार अगर वाकई में होता तो क्या मैं जस्टिफाई कर सकता था कि नहीं। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क हम सबके लिए, हमारे सिस्टम के लिए, और क्या कहूं मैं। ट्रू फजीला, आप ये बताएं कि कैसे भाई जो है ये बहुत ही इज अ एक्टिविज्म, इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है सियासी एक्टिविज्म, क्या आपने कभी फील किया कि सियासी एक्टिविज्म मतलब सियासत
सियासत आपके अंदर है ना? नहीं यार देखो, यही मैं सियासत ये सवाल फजीला से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक अच्छा सवाल मुझसे हो रहा है, सियासत इनके भी ब्लड में है, मेरे भी है, और आई थिंक अब जितनी अवेयरनेस आ गई है अब हर इंसान के ब्लड में सियासत सोशल मीडिया ने डाल दी है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर इंसान एक सियासतदान है, जो भी टीवी देखता है, तज्जिये देखता है, उसकी अपनी एक वो राय अपनी कायम कर लेता है। अब वो चाहे उसके उसके लेवल के हिसाब से होती है कि वो कितना पढ़ा लिखा और कितना मतलब उसकी एक्सपोजर है, उस हिसाब से वो अपनी एक राय कायम कर लेता है। तो सब सियासतदान है, सियासतदान भी है, वो एनालिस्ट भी है और वो डॉक्टर भी है, ये तीन काम तो हर पाकिस्तानी का। हाँ, और वो मलिकुल मौत भी हैं। हाँ, मतलब आपको डराने का काम भी करते हैं। तो और वो ये भी जानते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोजख में जाएगा। हाँ, ये भी बहुत लोगों को हाँ, पता वो है। उन्होंने अपने जिम्मे ले लिए हमारे लोगों ने कि ये जन्नत में जाएगा या दोजख में। बहरहाल मेरा कहने का मकसद एक्चुअली ये जी था आप कि कैसे जो अपनी फैमिली है, जो इनका ननिहाल है, इनका भी एक सियासी खानदान से ताल्लुक है और मेरा भी एक सियासी खानदान से ताल्लुक है। और जी मजे की बात है कि हैदराबाद से, क्योंकि हम अच्छा, दोनों के बस ना खानदानों का ताल्लुक बस ना, है, तो हमेशा हम एक दूसरे के ऑपोजिट, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते थे इलेक्शन में, और ये लोग अक्सर हार जाते थे और हम जीत जाते थे। यार तो धांधली इन्हीं से हम शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ये बात है, तो सियासत तो अच्छा मुझे होती ही है और बताएं, अपने लोगों एक सिनेरियो में, एक सिनेरियो कैसे मैं सामने रखता हूं, हल्का है कौमी असेंबली का, कोई भी चले कराची का हल्का है, पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात नहीं करते, दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, एक का नाम है फजीला और एक है कैसर, आप दोनों का आपस में अगर कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? नहीं, सीरियसली एक बात बड़ी सीरियसली अजीब सी बताऊं, हाँ मैं एक बात बताऊं आपको तौसीफ, ये हम चूंकि पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी 2002 के इलेक्शन में कोई वजह बनी कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट चुना, ठीक है और हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी में एक तरीकेकार होता है कि जो कैंडिडेट होता है, जो पार्टी का हेड होता है या सरबरा, वो उससे बात जरूर करता है। तो उन दिनों मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मेरी रिकमेंडेशन गई, तो उन्होंने कहा कि यस आई नो कैसर, वी हैव सीन हिज प्लेस। यस, तो मैंने कहा बीबी आप मुझे कराची से जो टिकट दे रही हैं तो आई डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कहती हैं कि कैसर, सिंस यू कम ऑन टेलीविजन द एंटायर पाकिस्तान इज योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वाह वाह वाह, यू बिल्कुल डू एज आई से एंड व्हाट आई सी दैट यू डोंट। तो मैंने कहा कि ठीक है, समझ गए ओके, बिल्कुल आप और बिल्कुल हम लोग जो है ना, हम लोग बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, हम बेशक, टेलीविजन के जरिए हर घर में मौजूद होते हैं। अब ट्रू ट्रू, आपकी बीवी फजूला की और हम जैसे जितने भी लोग हैं जो हकीकतन पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, पंजाब भी मुझे उतना ही अजीज है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, ये हमारा मुल्क है, दिस इज पाकिस्तान, वी ओन इट। तो हमें, आपको, हम सबको मिलके इसकी खिदमत करनी है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, देखिए कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी, उसके इंटेंशंस कभी बुरे नहीं हो सकते, ना किसी फौजी के बुरे हो सकते हैं, ना किसी भी पाकिस्तानी के बुरे हो सकते हैं, ना जुडिशियल का जुडिशियल बुरे हो सकते ठीक, हैं। इट्स ओनली, आप, यू गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल, बात हमारे हवारीन होते हैं उनमें कई बार प्लांटेड लोग भी होते हैं, जिन्हें समटाइम्स मैं या तौसीक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम उन्हीं की बात सुन के अपने लिए नुकसान का बायस करते हैं। अच्छा बिल्कुल। कैसर, आप जो पॉइंट जो कह रहे थे वो बिल्कुल हमें समझ में आ गया, लेकिन वो बेसिक सवाल वहीं पे। फजीला, आपका क्यों ख्याल है, इस बात को भी यहाँ पे मुख्तसरन एंड करते हैं इस पॉइंट को, लेकिन आपने क्योंकि इनकी तरफ इशारा किया था कि अगर आप दोनों आपस में इलेक्शन लड़े तो ये जीत जाएंगे, क्यों क्यों आप ये कहती हैं? ये है हक और सच की जबान को अच्छा बंद कर दो, उसको बोलने ना दो, ठीक जी, नहीं कैसर इसलिए जीतेंगे क्योंकि इनकी
मुझे लगता है पॉलिटिकल सेंस बहुत अच्छी है, और सबसे सबसे पहली बात तो ये कि देखिए हमारा आपस में मियाँ बीवी का तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, झगड़ा हमारी चिट चैट चलती रहती है, क्योंकि यही जिंदगी का रंग है, ठीक है ना। हम दोनों एक अलग पर्सनैलिटी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर एक साथ रहते हैं तो हर बात में एक दूसरे से मुत्तफिक भी, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर एंड इट शुड बी देयर एंड इट्स वेरी हेल्दी आई थिंक। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि कैसर थोड़ा सा मुझसे ज्यादा कम जज्बाती है, मैं जरा ज्यादा जज्बाती हूँ। और सबसे पहली बात ये कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अलग अच्छे अलग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, फाइनली और फाइनली कह दिया। मुसलमान है, तो इनमें मुझसे ज्यादा क्वालिटीज है, मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ जितने अच्छे ये हैं। मैं थोड़ा ज्यादा जज्बाती हूँ, मैं वाह मुंह पे देने की एक मेरा मेरा नेचर है जो मुझे पता है, और मुझे लगता है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि जी दिस इज द वे आई एम, टेक इट और लीव इट। सो ये इस मेरी चीज को समझ गए, वरना अक्सर लोग जब हम इंटरव्यू देते हैं तो बड़ा गुस्सा करते हैं कि ये कैसी खातून है, ये मियाँ को अपने ऐसे बोलती हैं और वैसे बोलती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मुझे मौका दे रहे हैं ताकि मेरी जो है ना लोगों के सामने जरा नहीं यार, हो ये जाए कि मैं डांट रही हूँ। इनकी हम्बलनेस है, इनका बड़ापन है, किस तरह कह रही हैं। मैं खुद अपनी बुराई कर और डालती ये नहीं पता मुझे चला कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े किस तरह हो गए, क्योंकि जब मैं काम पे जाता था, घर वापस आता था, तो मैंने बच्चों को इस तरह बढ़ते हुए नहीं देखा, इस तरह से बढ़ते हुए देखा। यूं कि हूँ। वो सोते सोते मैं देखता था आज इतने बड़े इस तरीके से, क्योंकि फजीला स्कूल ड्रॉप करना, एडमिशन, ग्रोसरी बिल्स, सब काम ये करती थी। मैं सिर्फ अपनी शूट्स और अपनी मार्केटिंग, मैं सिर्फ अपना काम और अपना भी आधा काम मुझे दे वेरी देते थे, थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत साथ दिया और अभी तक दे रही और हैं। अपना भी आधा काम मुझे दे देते थे, और अकाउंट्स का सारा काम मुझसे करवाते थे, हाँ सही बात प्रोडक्शन का है। भी काम मुझसे तो करवाते यार ये भी तो देखो ना, आज भी थे। साइनिंग अथॉरिटी यही है, और मैं हल्फन कह सकता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। जब सिर्फ 2 महीने के पैसे रह जाते हैं तो बोलते हैं कि अब काम कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है। समझता हूँ ओके, फिर मैं सबको फोन करूंगा कि भाई काम दे दो, काम दे दो, कर लें, ये होता है। जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताएं जी कि ये तो होगी तारीफें, लेकिन फजीला आप ये बताएं कि कैसर की ऐसी कौन सी आदत है जो 26 साल आप बदलने की कोशिश करती रही लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुई। व्हाट इज वन थिंग कैसर की जो आप बदलना दो चाहिए? अब ये कहेंगी तौसीक तीन एक नहीं, दो बताओ कि तीन बताओ। मतलब मैं बोलती हूँ तो लोग जो है ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं बाद में बड़े कमेंट्स पढ़ती हूँ कि वो कहते हैं कि मैं अपने मियाँ को बहुत डांटती हूँ या बोलती हूँ, लेकिन सच्ची बात है, हर औरत इत्तेफाक करेगी कि हर मर्द नहाने के बाद तौलिया सोफे पे, बिस्तर पे, दरवाजे पे, कहीं भी गीला तौलिया फेंक देता है। ये मैं नहीं बदलवा सकती आदत, कोशिश करती रही, मतलब पहले गुस्सा करती थी, चीखती थी, आपको बेबसी में खुद ही उठा के कहीं रख देती हूँ। अच्छा, और दूसरी छब्बीस बात, साल में ये मैं नहीं हो इनसे, सकता। हाँ, और ये मुझसे कभी, इनको ये प्रॉब्लम है कि तुम कभी भी हाँ नहीं कहती हो मेरी किसी भी बात में, अच्छा ये मैं बात उनको शुरू बताने करेंगे के ना लिए भाई, तैयार आप उनको उस बेचारे का खुद उससे भी सवाल कर हूँ। लूंगा मैं। यार इसके अंदर भी एक औरत है, कसम नहीं से तुम्हारे अंदर एक औरत है तौसीफ। तो इनके आपको अंदर भी पता भी, नहीं कि क्या इनके सवाल आ रहे हैं। अंदर सुने, मैं आपको बताऊं, इनके अंदर जो है ना, मुझे मैं अपने मतलब ससुराल में नहीं रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, लेकिन यकीन करें मुझे ज्वाइंट फैमिली की कोई कमी नहीं महसूस होती। मेरी सास भी क्यों? इधर है, मेरी नंद भी इधर है, इधर अंदर वो सारे रिश्ते इधर हैं अंदर। अच्छा तो कभी कभी अंदर से नंद निकल ओह आती है, कभी कभी सास निकल आती है ना? यस, कमी कभी नहीं, बल्कि सास ज्यादा बेहतर है मेरी, मेरा मुझे लगता है। और बल्कि मेरी नंद ने भी एक दफा कहा कि भाई क्या हो गया, बस कर दो, मतलब अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अब फांसी तो नहीं लटक जाएगी ना, खत्म कर दो, हाय। आगे अच्छा बढ़ो। कैसे, ऐसी तो कौन सी आदत है फजीला की जो 26 साल से आप बदलवा नहीं सके? नहीं कहने की मैंने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया, बींग ऑनेस्ट। होता क्या है तौसीफ के, मेरे बाबा ने मुझे एक चीज सिखाई थी, बाज़ोकात मैं इंसान हूं, मुझमें कमजोरियां कोताहियां होंगी, लेकिन बाबा ने मुझे एक बात हमेशा सिखाई कि यार जो लड़की तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़कर आई है उसकी रिस्पेक्ट करो, और जरूरी नहीं है कि जिस तरह तुम जिंदगी में चाहो कि वो उस तरह मोल्ड हो जाए, तो उसकी सोच की, उसकी बात की रिस्पेक्ट करो, और वो एक अलग यूनिट है, एक अलग एंटिटी है। तो शादी होने का मकसद ये नहीं कि उसने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, मतलब तो ये आपको रिस्पेक्ट करनी है। ये बातें आज बता रहे हैं कि इनको समझ आई है, हालांकि ये मेरे मेरे बाबा ससुर ने, बहुत अच्छे आदमी थे, मुझे
मुझे इस पता वजह है से वो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, लेकिन ये छुप छुप के जो बातें इनको इन्होंने की होंगी आज मान रहे हैं। आज मान लें। अब मैं हकीकतन ये बाबा दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा ने हमेशा मुझे यही बात नहीं, समझाई, ही वॉज और अ गुड मैन। तभी शायद ये हमारा जो ये ताल्लुक है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। बल्कि अब तो हम दोनों ने कहा है कि चलो यार, अब मैं और तुम जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हाँ, छोड़ो बहुत बोरिंग हो गई अब। है मियाँ हाँ बीवी की जिंदगी, इट्स तो वेरी अब बोरिंग। ना मैं मियाँ हूँ ना ये बीवी, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मतलब वेरी मैंने गुड इनको वेरी गुड। 90 साल, अभी कभी कभी मुझे चाय पिला देते हैं सुबह, कभी कभी अच्छा समटाइम्स। भाई ये बताएं कि बेटों की शादियां का किस कोई सोचा हुआ है? अब वो इंग्लैंड उन्हें भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो उधर से मेमे लेके आ गए, तो यार फिर मैं क्या अपने बारे होगा? में सोच रहा हूँ, तुम बेटों की शादी के बारे में पढ़ पढ़ जाते नहीं, हो। मैंने तो उन्होंने जिला अपनी से जिला सवाल संभाल लिया, किया। आपका अच्छा, तो मुझे पता चल रहा सीरियस है। सीरियस सीरियस सवाल सवाल। का जवाब कि मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड, ये अल्लाह का करम है मुझ पे, ये कोई मैं मेरा कोई कमाल नहीं इसके अंदर, ये अल्लाह का करम है मुझ पर कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है और शुक्रिया। ऐसे बेटे मुझे दिए हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता है कि अगर कभी वो वहां से कराए या यहां से करेंगे तो बहुत सोच समझ के ही करेंगे, वो कुछ गलत फैसला नहीं करेंगे, ये मुझे ओके यकीन है। क्योंकि वो उनका जिस तरह का मिजाज है, देखें अपनी नस्ल को आपको संवारने के लिए ना, जिस दिन वो पहला दिन दुनिया में आंख खोलता है और आता है ना, उस दिन से आपको उसकी तरबियत करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप जैसे माँ बाप देखते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि जी छोटा बच्चा, अरे छोटा है, बड़ा होके समझ जाएगा। नहीं, बच्चा जब छोटा होता है तभी समझता है, बड़ा होके वो कुछ नहीं समझता, बड़ा होके तो वो उस सारे सीखे हुए पे अमल करता है जो उसने शुरू से पहले दिन से लेके और बड़े होने तक सीखा होता है। तो आप एक्सेप्ट करेंगी वो तो जिसको जिसको भी ले आए? मतलब देखें, एक्सेप्ट इसलिए करूंगी कि मैंने उनको बता दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने उनकी तरबियत इस तरह से की है कि उनको बताया है कि जी आपने औरत की इज्जत करनी है, वो उन्होंने अपने घर में भी देखी है, अपने अतराफ में भी देखी है, और अभी भी उनको ये है कि आप यकीन करें वो कहीं पाकिस्तान में भी, इवन जो कि अमूमन लोग अभी भी नहीं करते, किसी मैंने बोला है कि भाई कोई खातून हो ना रोड क्रॉस कर रही हो, कहीं खड़ी हो, तुमने रिस्पेक्ट देनी, मेरे बच्चे रोक लेते हैं चाहे बीच सड़क पे गाड़ी हो। तो ये गुड। आपकी तरबियत होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप उनकी उनकी घुट्टी में डाल देते हैं, तो फिर वो एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे मर्द बनते हैं, अच्छे स्पाउस बनते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अब आप अचानक सब कुछ सिखाना शुरू करेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे ये यकीन है कि वो जिससे भी शादी करेंगे और जिसको भी लेकर आएंगे वो यकीनन अच्छी ही होगी। और फिर हम दुआ कर सकते हैं, माँ बाप ही देखें, और ये तो जुआ होता है, शादी एक जुआ होता है, आप अच्छे से भी करके ले आए तो बदलते हुए किसी को देर नहीं लगती है, जैसे देखे ना ये बदल गए बिल्कुल तो किसी को मेरा नया बदलते हुए बॉयफ्रेंड देर है, मेरा नया बॉयफ्रेंड है, उसको ऐसे नहीं कहो, फिर वो लगती। नहीं, नाराज हो बॉयफ्रेंड जाए। को तो सब कुछ कह सकती हूँ, पुराने मियाँ को कुछ नहीं कह सकती थी, अब तो सब कुछ कह सकती हूँ मैं नए बॉयफ्रेंड को। मैं बात ये कर रहा था कैसर के, आपने और फजीला ने पाकिस्तान टेलीविजन का वो गोल्डन दौर देखा है जिसको हमेशा हम अलग जिक्र कर रहे होते हैं, और उसके बाद कैसर आप भी, फजीला आप भी जाहिर है एक नाजिर की हैसियत से, एक व्यूर की हैसियत से देखते ही रहे ना पाकिस्तान में टीवी ड्रामा किन उतार चढ़ाव से गुजरता रहा, एज प्रोड्यूसर्स भी, एज फाइनेंसर्स भी, एक्टर्स भी, हर तरह के रोल, डायरेक्टर भी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो काम हो रहा है आप उसको कैसा देखते हैं दोनों? आपका अपना ओपिनियन ओपिनियन चाहिए, मैं पहले कैसल के तो चाहूंगा वो अपना ओपिनियन दे, फिर फजीला आप दें, उसमें क्या अच्छा है उसमें क्या अच्छा नहीं है। हाउ डू यू कंपेयर गोल्डन टाइम्स विद दीज डायमंड टाइम्स? आई वुड से हम क्यों कहते हैं वो गोल्डन एरा था, तो इसका मतलब है ये कोई काम अच्छा है, हो सकता है ये डायमंड एरा हो, आप बताइए कैसे। अच्छा, मैं थोड़ी सी तमहीद मांगूंगा कि हमारे पास टाइम कितना है पहले तो उसी की बताएं। इस सवाल के लिए हमारे पास, आप दोनों के पास 2-2 मिनट है। देखिए, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो, हम इसको कहते हैं तबलाग, मेजोरिटी, इन मीडिया के तवसुत से हम ब्रेन्स को, लोगों को मेच्योर करते हैं, एजुकेट करते हैं। जब तक अशफाक साहब, नूरुल हुदा, शाह साहिबा, जुनेजो साहेब, क्या बात हैदर, अमजद इस्लाम, अमजद साहेब, ठीक है, ये वो नाम है, तारिक अजीज परसों जिनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह मगफिरत ये करे। वो अल्लाह लोग हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो लोग हैं अल्लाह जो के इल्म का खजाना थे और हैं, ठीक है। अच्छा,
पहले टेक्निक से ज्यादा हम देखते थे कि कहा क्या जा रहा है और कौन कह रहा है। ओके, वो इंस्पिरेशनल होती थी बातें। ठीक है ठीक है। अच्छा, आज हुआ क्या है कि हमारी टेक्निक बहुत इंप्रूव कर गई है, हमारी स्क्रीन बहुत खूबसूरत हो गई है, हमारे मेकअप, हमारे फैशन बहुत खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन अबलाव कहीं खो गया, हमारा अबलाव कहीं खो गया। तो बस अब ऐसा है जैसे दरिया को कौन सा बंद किया। इससे ज्यादा मैं आप भी मेरी बात क्या कहेंगे इस हवाले से? जो बात की है मैं वो समझाऊं कि कहानी कैसे भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे ड्रामे के अंदर फिक्र, सोच, कहानी कहीं मर गई है और बाकी लशपश और टेक्निकल और प्रोडक्शंस बेहतर हो। हम ड्रामे के जरिए, एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को एजुकेट करते हैं। देखो ठीक, जी मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। ये सारी बातें भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं कहूंगी ना, कुछ बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। तो इश्यू इज दैट कि एक तो ये सारी चीज के साथ साथ ड्रामा राइटर्स, ठीक है, हर एक अलग जहद होती है। ये नहीं होता कि बस आपने कहानी लिख ली तो आप कहानी नवीस हैं तो आप ड्रामा नवीस भी हो जाएंगे, या आप किस्सा गो हैं तो आप ड्रामा निगार भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ड्रामा लिखने के लिए आपको एक अलग मतलब एक अलग तरीका है, एक अलग एक्सपर्टी है ड्रामा लिखने की। आपको ड्रामा लिखना आना चाहिए। पहले ड्रामा जब लिखा जाता था, जो हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे, और मैं बहुत इस मामले में लकी हूं कि मैं ये नहीं कह रही कि ये दौर बुरा है, वो दौर भी अच्छा था, ये दौर अलग है, ये नया है, लेकिन उस वक्त लकीली मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, या जैसे अगर नूरापा का, नूरुद्दा शाह का स्क्रिप्ट आप कहें, मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़े जब मैंने शाहिद काजमी साहब के स्क्रिप्ट पढ़े हुए थे, या अच्छा साहब का मैंने स्क्रिप्ट किया, तो जब वो स्क्रिप्ट हम पढ़ते थे तो वो पढ़ के इतना स्पोकन और इतना मजा आता था, और जब उसको करते थे परफॉर्म तो लगता था वो ऐसे ऑटोमेटिकली अंदर से हो रहा है, निकल रहा है, सब चीज ऑटोमेटिकली हो रही है। अब जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के दुख पड़ जाता है कि भाई इसको पहले ठीक करें फिर उसको बोले। ड्रामे जैसे सारे, मतलब हर कोई भी टीवी का ड्रामा उठा के देखे सब एक जैसे, कोई फर्क नहीं है, चेहरे भी वही है, मेकअप भी वही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे हैं, सब एक जैसे। हाँ, मतलब कहानी कुछ नहीं बदलती, कंटेंट नहीं बदलता। जबकि पीटीवी पे कराची का, जब कराची सेंटर का ड्रामा होता था वो डिफरेंट होता था, लाहौर सेंटर का ड्रामा डिफरेंट होता था, क्वेटा सेंटर का ड्रामा, पिशावर सेंटर, ये बुके होता था, और इसके तमाम चैनल्स के अलग, आई मीन सेंटर्स के अलग कलर्स होते थे। अब हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं लेकिन फूल एक ही रंग का है। वाह, तो इन चीजों को हम बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी करेंगे, ये मेरा जाती सोच है, ये मेरी अपनी परसेप्शन है, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, फजीला इख्तलाफ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी बात में वजन है। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट, जी 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 सर, आप कहिए। नहीं, प्लीज प्लीज। एक चीज जो देखने में आई है तौसीफ, वो ये कि हम उस दिन एक चैनल पे, मैं आप लाइव थे, तो मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि पीटीवी हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ जो जुल्म हुआ है कि पीटीवी के अपने प्रोडक्शंस बंद करवा के और दो तीन चैनल्स के चले हुए ड्रामे वहां चलाए जा रहे हैं। ठीक, हमारा ठीक है, तो इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, मैं अकेला बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलता। ठीक, ऐसा क्यों? यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन के जो मैं अभी बाप की बात करते हुए सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि मंडे को कराची, ट्यूसडे को पेशावर, वेंसडे को इस्लामाबाद, थर्सडे को लाहौर और फ्राइडे को क्वेटा का ड्रामा अगर दोबारा से रिवाइव हो, वही वाला चीज। और मुझे याद है रात 8 बजे वो अनाउंसर आती थी, फिर वो अनाउंसर भी उसी सेंटर की होती थी, मतलब पेशावर सेंटर से वो अनाउंसर आती थी, उसका अपना अंदाज, पिंडी के अपना अंदाज, ड्रामे को हम ओन करते थे, हम लाहौर वालों को करते थे, तुम्हारा ड्रामा आएगा देख लेंगे, वो हमें कहते थे तुम्हारा ड्रामा दोबारा शुरू करनी चाहिए और इन हाउस प्रोडक्शंस हो और हफ्ते में एक दिन दिया जाए। अच्छा, एक चीज और, नीलाम घर जैसा कोई एक भी गेम शो बन सका है? मैं कहता हूं कि नीलाम घर के बाय प्रोडक्ट्स हैं जितने भी गेम शोज आपके चल रहे हैं। बिल्कुल,
ट्रू वेरी ट्रू। लियाकत हुसैन साहब है, अल्लाह उनको हयाती दे, जिन्होंने तारिक अजीज साहब को अपने प्रोग्राम में मधु किया था, और उस आदमी ने जो तारिक साहब की रिस्पेक्ट की थी और कहा था कि नहीं हम आपसे सीख रहे हैं, हमें आज भी कुछ नहीं आता, हम आपसे सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। औरतों को इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। मतलब अब मुझे लगता है अब जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं है, अब डिक्टेशन है। पहले कॉम्पिटिशन होता था और सबके अलग अलग क्रिएटिविटी बहुत थी, क्योंकि हर इंसान का, हर बंदे का, हर प्रोड्यूसर का, हर डायरेक्टर का अपना एक सोच होती थी और वो उसके हिसाब से लिखवाता था, उसके आइडियाज होते थे। और पीटीवी जो एक इंस्टीट्यूशन था हमारा, जिसकी वजह से आज मैं फजीला काजी हूँ, जिसकी वजह से आज आप तौसीक हैदर हैं, जिसकी वजह से आज कैसे खान है, यू नो वी आर, हम आज भी अपने उस मदर इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त जो उसका था, वो सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां पढ़े लिखे लोग थे, उस काम से मुतालिक उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, तो मतलब इस तरह का एक प्रॉपर सिस्टम था। फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट में आ जाते थे, तो स्क्रिप्ट एडिटर्स थे जो हमारी उर्दू सही करते थे, अल्फाज का चुनाव सही करते थे, तो हर चीज बहुत सिस्टमेटिक और बहुत तरीके से थी। अब तो ये कि जी अच्छा भाई ये बच्चा फारिग है, इसको भेज दो ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएगा, अच्छा भाई ये बच्चा फारिग है, इसको मेकअप का असिस्टेंट लगा दो, यू नो वो इस तरह से मतलब अब इसे कहीं काम नहीं मिल रहा, वो प्रोडक्शन मीडिया में काम, जिसको और कोई कहीं काम नहीं मिल रहा उसको मीडिया में भेज दो, या तो मदरसे में दाखिल करवा देते हैं फैमिली को, घर वाले उसको, या बोलते हैं उसको मीडिया में भेज दो। ये मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। अच्छा कैसर और फजीला ये बताइए कि आप दोनों की कोई ऐसी कोई ड्रीम, कोई ऐसी एज अ फैमिली, मियां बीवी 25-26 बरस का साथ है, मतलब उसके बाद वो मैंने सुना था कि इतने साल गुजर जाए तो मियां बीवी बहन भाई लगने लग जाते हैं, लेकिन आपने अच्छा इसको ट्विस्ट दिया, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह रहे हैं हम लगने लग गए हैं ना, तो हम बहन भाई इसलिए नहीं लग सकते, हम बहन भाई इसलिए नहीं लग सकते कि मैं इनकी किसी बात पे हाँ नहीं बोलू। बात समझ आई, हमारी अलग अलग पर्सनैलिटीज है तो हम अलग अलग ही लगेंगे। वेरी गुड। कोई ऐसी ख्वाहिश जो एज हस्बैंड एंड वाइफ आप चाहते हैं कि जिंदगी में पूरी हो, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, यू आर प्रेइंग फॉर दैट, अगर आप हमें अपनी किसी दुआ में शामिल करें तो हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करना चाहेंगे, अपनी कोई दुआ बताइए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान भी कम निकले। मुझे तो बहुत सारे शौक हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, और वक्त के साथ साथ ख्वाहिशें बदलती रहती हैं, लेकिन एक ख्वाहिश जो कभी भी नहीं मेरी बदली, और जो मैं हमेशा जब अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी देना, और जो कुछ तूने अता किया है वो खैर आफियत के साथ, खुशियों के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ बरतना नसीब करना, क्योंकि यही वो दुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आमीन सुमामीन। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी जिंदगी में किसी इंसान का मोहताज ना करना। तो जब आप सेहतमंद होंगे, आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देंगे, तो फिर आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो फिर आपका जो जी चाहेगा आप उसको करेंगे। तो इसलिए मैं कोई ऐसी ख्वाहिश अल्लाह से जबरदस्ती नहीं कहती, और अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मामलात ना वो आपके हवाले हैं, जो आप मेरे लिए बेस्ट फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ और मैं उसमें ही खुश हूँ। आमीन। आप भी हमें कोई ख्वाहिश और दुआ बताइए। तारिक अजीज साहब से इंस्पायर्ड एक उन्हीं के कुछ अल्फाज हैं जो के फंस के रह गए। तारिक साहब ने एक स्पीच में कहा था कि लोग किसी भी मुल्क की वेटेज देखते हैं, सबसे पहला सवाल कि क्या तुम्हारे पास समंदर है? हाँ जी, हमारा 1500 किलोमीटर गवादर से जवानी से लेकर वो पोर्ट कासिम और ना जाने कहां तक। दूसरा सवाल ये किया जाता है क्या तुम्हारे पास डेजर्ट्स हैं? जी, हमारे पास छुल है, हमारे पास थर है, हमारे पास चोलिस्तान है। अच्छा जी, तीसरा कि जी आपके मुल्क में पहाड़ हैं? तो दुनिया की 8 चोटियों में से 6 खूबसूरत तरीन चोटियां हमारे मुल्क। अच्छा जी, आपके मुल्क में मैदान है? तो जी, हमारे मुल्क का 40% रकबा मैदान। आपके पास सीजन्स हैं? जी, हमारे पास सारे सीजन्स हैं। आपके पास दरिया हैं? जी, हमारे पास दरिया हैं। 5 दरिया तो हमको पता है, और न जाने कितने नदी नाले चश्मे जिन्हें हमें नहीं पता। अल्लाह ने हमारे मुल्क को देने के लिए अपनी जानिब से, अपनी कुदरत से कोई कमी नहीं रखी, ये हम है जो इनको संभाल। तो खुदारा
मेरी अल्लाह से यही गुजारिश है, दुआ है, हाथ जोड़ के दुआ है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, कि इस मुल्क के तमाम नौजवान, तमाम बच्चे, उनको इतना खूबसूरत अपने इल्म के हवाले से, अपने तरबियत के हवाले से, अपने शोबों, अपने प्रोफेशंस के हवाले से रब्बुल आलमीन करें, और उनके सबसे मेरी औलाद के लिए भी, कि आज लोग, दुनिया हम पाकिस्तानियों को यूं ना देखें बल्कि ऐसे नजर उठा के वो पाकिस्तान। क्या बात, तो इंशाअल्लाह हमें, हम सबको, हम हमारा मुल्क है, हम सबको ओन करना है। आज ये एक वबा है, एक कोविड है 19, इसमें हम सब एक पेज पर नहीं है, हमारे स्टेट एक आदमी नहीं लिख रहा, हमारे पास लीडरशिप की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी सी, नहीं यार, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि हम सब इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है वो डे बाय डे कंटामिनेशन के हवाले से बढ़ता चला जा रहा है। बस अल्लाह हमारे हुक्मरान जो भी हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको समझ दे, उनको अकल दे, सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप दोनों ने इतनी खूबसूरत दुआएं मेरे साथ शेयर की हैं, उन्होंने पर्सनल लेवल के ऊपर, और आपने एज अ पाकिस्तानी नेशनल लेवल के ऊपर। आई एम रियली रियली हैप्पी के, और मेरा ख्याल है कि मैं भी जाती तौर पर, मेरी पूरी टीम और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं या बाद में इसको यूट्यूब पे या जहां भी देखेंगे, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि ये दोनों ने इतने दिल से इतनी खूबसूरत दुआएं मांगी हैं, हम सबको दिल की गहराइयों से इस पे आमीन कहना चाहिए और इस दुआ में शामिल होना चाहिए। वैसे कैसर, आपने, मैंने आपसे सवाल किया था ना कि अब आप हमें दुआ बताएं, उसके बाद आपने वो तलत हुसैन वाला एक पॉज दिया था, तो मैंने पता क्या समझा था, मैंने कहा ओए होए होए, अब इसके दिल में जो दुआ है वो फजीला के सामने बेचारा बता नहीं सकता। मैं इसको इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें मैं उमरा या हज पे साथ में लेके जाऊंगा, कहीं वहां खड़े होकर सच सच पूछ ले तो क्या करूंगा, अपनी बीवी को मत लेके जाऊंगा। अच्छा वैसे मैं आपको, अच्छा ये तो एक मजाक की बात थी, मैं, आपने मुझसे ये नहीं पूछा, आपने मुझसे ये पूछा कि जी अच्छा आपको पता है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, आपको पता है कि मैं कैसर की बेगम हूँ और इनके बच्चे से मालूम, आपने पूछा मुझसे कि मैंने और क्या किया इसके अलावा जिंदगी में, क्या किया? ठीक है, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये जो 26 साल से ये जो एक चीज आप संभाल रही है, इसके बाद तो कुछ भी आप ना करें तो हम सब सलाम करते हैं। Yeah. वैसे सही बात है, देखे आप जो ना मेरे दिल की बात कह रही है, तौसीक आई लव यू कह रहा ना, इसके अंदर एक औरत है, एक नहीं कई औरतें हैं इसके अंदर, अंदर मैं से, अंदर से पता चल गया कि मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से। मैं आपको बता रही, मैंने कहा मैं थोड़ी सी शायरी करती हूँ, थोड़ी सी पोइट्री करती हूँ, शायरा बहुत अच्छी भाई, और वाह वाह, तो किसी वक्त जब हम एक अलग इंटरव्यू करेंगे, इनायत हो अभी कुछ पेश करें, कोई हमें इनायत करें, इरशाद हो। नहीं वो इनायत जो है ना वो फिर अलग से अलग सेशन होगा, क्योंकि वो तो फिर मैं आपको अपनी सारी सुनाऊंगी, कथासिस है ना जिंदगी का। नहीं, ये नहीं, तो मैं बिल्कुल वैसे, मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी। हाँ वो तो कुछ तो वरना तो ये तो प्रोमो चला दिया आपने ड्रामे का, और कहा कि नहीं अभी ड्रामा तैयार नहीं हुआ, मुझे वो मैं अल्फाज वो थोड़े से आगे। हाँ शुक्रिया, बच्चों के लिए बहुत सी आपकी गुड लक, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। दोनों इंग्लैंड जा रहे हैं ना? जी अभी तक तो ये प्लान है। आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, वेल खैर आप लोग भी बहुत वेल ट्रेवल्ड हैं दोनों, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी। मैं इस वक्त यूके में हूँ, मैनचेस्टर में, और मेरा ख्याल है यहाँ पे दोनों, उस दिन मुझे फजीला बता रही थी लॉ करने आ रहे हैं ना? जी बार बारह बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत अच्छी जबरदस्त फील्ड है। And all the best to both of them. और आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, कि आप दोनों ने आज मेरे शो में जो दुआएं मांगी हैं वो पूरी हो। आमीन। आमीन। और आपने मुझे बता दिया ना आप बनी हैं, तो आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो आप सोच लें फिर, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, वो भी एक मेरा शौक है। मैं जो पाकिस्तान की चीज बहुत ज्यादा यहाँ मिस कर रहा हूँ वो है मेहमान, यहाँ पे मेहमान ही नहीं आते, और कोविड की वजह से हर कोई लॉकडाउन में, तो आप मेजबानों को ले जाती हूँ कि चलो कहीं एक्सप्लोर करते हैं चीजें। लवली लवली, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और ये तीनों हिस्सों में अभी इंस्टा पे तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन यूट्यूब के लिए इन तीनों को जोड़ के एडिट करके कल मैं इसको डाल दूंगा, मेरी टीम डाल देगी, और फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, और फिर आप अपने फैंस के साथ शेयर।
जरूर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, जीते रहे। थैंक यू फजीला, खुदा हाफिज़।